वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बिग बुल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पाई को लेकर। पाई की जो केवाईसी को लेकर काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है, किसी का नेम का इशू है, किसी का यूज़र नेम का इशू है, किसी का मोबाइल नंबर का इशू है और किसी का कोई डिफरेंट इशू होता है, जैसे कि आपने कोई आईडी कार्ड और दे दिया और वहाँ पर नेम कोई और है। तो वो जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो सारी रिजॉल्व हो जाएगी आपकी इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हर एक स्टेप आपका जो है नोट डाउन हो जाए और कुछ भी मिस ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं इसके बाद केवाईसी को लेकर आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है पाई नेटवर्क में। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। तो ये कुछ पाई का जो है इंटरफेस है। अगर आप पाई एप्लीकेशन ऑलरेडी यूज करते हैं तो ऑब्वियसली बात है इसीलिए आपने केवाईसी के लिए जो है रिक्वेस्ट दी होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली क्रोम ओपन करना है और यहां पर pai.com आपने लिख देना है। तो यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर आपके पास सेकंड एक वेबसाइट खुलकर आ रही है। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, सीधा आप लिंक पर क्लिक करके भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों, यहाँ पर आप मैंने जैसे ही क्लिक किया सेकंड ऑप्शन पर तो ये देखिए यहाँ पर minepai.com, ये इसकी जो वेबसाइट है। यहाँ पर आते ही आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप राइट हैंड साइड आपको ऊपर जो है वो थ्री लाइंस दिखाई दे रही होगी, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए लास्ट ऑप्शन आपके पास आ रही है सपोर्ट की, तो आपने बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप सपोर्ट पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो तीन ऑप्शंस दिखाई दे रही होंगे, तो इनमें से आपने जो थर्ड ऑप्शन है एक्सप्लोर द सपोर्ट पोर्टल, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं एक आपके पास यहाँ पर ओपन होकर आएगा, हैव ए प्रॉब्लम विद द पाई ऐप ऑन योर पाई अकाउंट, तो इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर लिंक आएगा सपोर्ट पोर्टल का, तो सिंपली आपने सपोर्ट पोर्टल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सपोर्ट पोर्टल के ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों, उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपके पास सजेस्ट फॉर्म्स, नीचे जो है आपके पास चार ऑप्शंस आ रही हैं, केवाईसी इन ईमेल रिक्वेस्ट, वॉलेट एंड ब्राउजर इन ईमेल रिक्वेस्ट, अकाउंट सेटिंग इन ईमेल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जैसे कि अगर आपको केवाईसी के रिगार्डिंग कोई इशू है तो आप केवाईसी यहाँ पर मेल के थ्रू जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं दोस्तों नेम चेंज के रिगार्डिंग। अगर आपके अकाउंट के रिगार्डिंग कोई इशू है तो यहाँ पर जो तीसरी ऑप्शन आ रही है दोस्तों अकाउंट सेटिंग्स इन ईमेल रिक्वेस्ट, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो अकाउंट चेंज कैन नॉट बी मेड वाया ईमेल और दिस रिक्वेस्ट फॉर्म सेंस वी हैव नो मीन्स टू सिक्योरली वेरीफाई द रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम अ जेन्युइन अकाउंट होल्डर। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपने थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पर आ रहा है आपके पास जो है चेंज करने के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आपने क्या करना है दोस्तों, ईमेल जो है कन्फर्मेशन करनी है, जो आपने ईमेल डाली हुई है पाई में वो ईमेल यहाँ पर लिख दीजिएगा। पाई यूज़र नेम आपने लिख देना है, पाई यूज़र नेम आपको पता है, अगर आप पाई की जो है ऐप में जाते हैं वहाँ पर प्रोफाइल में जाते हैं वहाँ पर सबसे ऊपर एक तो आपका नेम लिख कर आता है, उसके नीचे आ रहा होता है यूज़र नेम, ऐट द रेट लगकर कुछ आगे होगा जो आपने रखा होगा, तो यहाँ पर आपने यूज़र नेम डाल देना है। तीसरे नंबर पर दोस्तों ऑप्शन आ रही है व्हाट कंट्री आर यू फ्रॉम, तो आप कौन सी कंट्री से, अगर आपके पास इंडिया का है आप आधार कार्ड इंडिया का तो इंडिया, अगर पाकिस्तान से तो पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंट है वो देने हैं, बांग्लादेश से बांग्लादेश, यूएस के, मतलब किसी भी कंट्री के हैं वो कंट्री यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेनी है, लिख देनी है। इसके नीचे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है व्हाट इज़ द एस्टीमेट ऑफ द डेट दैट यू क्रिएट योर अकाउंट, एस्टीमेट टाइम आपका अगर आपको पता हो कौन से मंथ कौन से साल में है तो यहाँ पर प्रॉपर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट जो ऑप्शन आ रही है दोस्तों एंड्रॉयड और iOS, इसकी ऑप्शन आ रही है, तो यहाँ पर आपने जो है आप जो भी आप मोबाइल पर पाई की जो माइनिंग करते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके आगे दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही हैं पुट मी ऑन द ईमेल लिस्ट टू बी नोटिफाई व्हेन द फॉलोइंग फीचर इज़ अवेलेबल, तो यहाँ पर चेंज नेम है, चेंज यूज़र नेम है, चेंज फ़ोन नंबर है, चेंज पासवर्ड, रिपोर्ट डुप्लीकेट अकाउंट, अगर आपका कोई डुप्लीकेट अकाउंट है तो यहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। नेम चेंज करनी है तो फर्स्ट वाला आपने सेलेक्ट करना है। वहाँ पर नेम चेंज और यूज़र नेम चेंज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको कोई इशू लगता है तो प्रोफाइल में जाकर पाई की ऐप में जाकर पाई की प्रोफाइल में जाकर वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, नेम सबसे ऊपर होगा, वो नेम आपका जो आधार कार्ड या जो भी आप देना चाहते हैं पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस उसमें वो नेम होना चाहिए जो सबसे फ्रंट में आता है ऊपर। यूज़र नेम का चल जाता है, यूज़र नेम चाहे आपने कोई निक नेम रखा हो कुछ भी रखा हो उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर चेंज नेम के रिगार्डिंग मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि क्या था दोस्तों जब पाई की एप्लीकेशन आई थी
तब लोगों ने क्या क्या इतना ध्यान नहीं दिया, ओरिजिनल नेम नहीं, जो भी निक नेम होते हैं, जो भी अपने सोशल मीडिया के नेम होते हैं, आदमी क्या करता है वही नेम वहाँ पर डाल देता है, जिसके कारण अभी लोगों को काफ़ी जो है वो इशू फेस करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो चेंज नेम पर आपने क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन ऑफ इशू, तो क्या आपका इशू है इसमें आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पर देखिए इशू आपका क्या है, बिल्कुल आपका जैसे नाम चेंज के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पर आपने लिख देना है हेलो सर या हेलो मैम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नीचे आपने लिख देना है आई वांट टू चेंज माय नेम दिस टू डिस, मतलब जो भी आपका नेम है अभी वो लिख दीजिएगा और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि अभी आप ये रखना चाहते हैं। आई वांट टू चेंज माय नेम, अगर आप यूज़र नेम करना चाहते हैं चेंज तो आई वांट टू चेंज माय यूज़र नेम दैट टू दैट, मतलब जो भी नेम है वो लिखकर टू आगे दूसरा नेम लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर देखिए नीचे आपके पास ऑप्शन आ रही है ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल, स्पेस, स्क्रीनशॉट और ब्राउज़र। तो यहाँ पर आपने अपने जो प्रोफाइल की एक स्क्रीनशॉट ले लेना है एप्लीकेशन में, तो वो आपने यहाँ पर जो है ब्राउज़ में क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही आप इसे अपलोड करते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन आ रही है सेंड की, तो बिल्कुल जैसे ही आप सेंड करते हैं दोस्तों, तो इसके अलावा आपको अभी थोड़ा दिन वेट करनी होगी। ईमेल जो आपने यहाँ पर मेल आईडी डाली है फर्स्ट में, मेल के थ्रू भी आपको एक जो है कन्फर्मेशन आ जाएगी इसकी, और थोड़ा समय भी लग सकता है, होने को दोस्तों 1 वीक के अंदर अंदर ये आपका जो नेम है वो चेंज हो जाएगा, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। या हो सकता है दोस्तों कि आपको थोड़ा लंबे समय के लिए वेट करना पड़ सकता है, लाइक 10 दिन, 15 दिन या महीना भी लग सकता है। तो बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन सबसे पहले जो आपने अपना जो नेम है वो आप चेंज कीजिए। अगर कोई भी इशू है जल्द से जल्द ये रिक्वेस्ट आप रेज़ कीजिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी बिल्कुल थोड़ी सी भी, तो बिल्कुल दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी और भी हम आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं टाइम टू टाइम। अगर आपको और कोई इशू आ रहा है KYC को लेकर, पाई के नेटवर्क को लेकर या कोर माइनिंग को लेकर कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं, बिल्कुल हम उसके ऊपर रिसर्च करके आपके लिए जो है उसका जो प्रॉब्लम है वो हम रिजॉल्व करके लेकर आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।